लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। FSL से आई ब्लैकलिस्ट रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग की पुष्टि हुई है। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया का पता पूछने वाले दो संदिग्धों में से पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। फिलहाल उससे ATS पूछताछ कर रही है। आर्यन मामले में 25 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप लगाने वाले प्रभाकर सायल ने खुलासा किया है कि NCB अधिकारी समीर वानखेड़े उगाही के खेल में शामिल थे। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड के SNCU में अचानक आग लग गई। हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई है। हादसे के समय यहां करीब 40 बच्चे भर्ती थे, जिन्हें बचा लिया गया है। आग लगने से मारे गए बच्चों के परिजन ने घटना के पीछे बड़ी साजिश होने का शक जताया है। उनका कहना है कि हादसे से 5 मिनट पहले ही वार्ड में नर्स और वार्ड बॉय के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को धमकियां भी दी थी। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भरोसा दिलाया है कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के बराबर हो जाएगी। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव के बयान पर बवाल हो गया है। उन्होंने कहा है, हमारी एक जेब में ब्राह्मण और दूसरी जेब में बनिया है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुरलीधर के इस बयान पर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा है कि भाजपा के नेता सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं, इसलिए इस तरीके के उल जुलूल बयान दे रहे हैं। फ्रांस के पोर्टल मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी विमान निर्माता डॉसल्ट ने भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की बिक्री को सुरक्षित करने के लिए एक बिचौलिए को 65 करोड़ रुपए का कमीशन दिया था, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने डॉक्यूमेंट होने के बावजूद इसकी जांच शुरू नहीं की है। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यह हॉट कपल अगले महीने दिसंबर में सवाई माधोपुर में 6 सेंस बरवाड़ा फोर्ट होटल में शादी रचाएगा। सारा फंक्शन 7 से 12 दिसंबर के बीच होगा।